एयर इंडिया की जहाज दुबई जा रही थी, रनवे पे दौड़ा रहा था, दौड़ाते दौड़ा पायलट कर रहा है रोटेट, मतलब उड़ाओ। ई बैला थोड़ा देर से उड़ाया, पेंदिया जाके एयरपोर्ट के दीवार से टकरा गया, ATC का पगला गया। यहाँ एयर इंडिया के जहाज के साथ ऐसे ही घटना होने वाला था, लेकिन बच गया। समताप मंडल में जो एयर इंडिया की जहाज दुबई जा रही थी, कहाँ जा रही थी, दुबई में मुंबई एयरपोर्ट से, तो उसको रनवे पे दौड़ा रहा था, दौड़ाते दौड़ाते पायलट कर रहा है रोटेट, मतलब उड़ाओ, जो खलासी मतलब फर्स्ट ऑफिसर, खलासी फर्स्ट ऑफिसर कर रहा उड़ाओ उड़ाओ। ये पता नहीं कौन नशा किया हुआ था, कहता उड़ाई तो ना, इतना जल्दी कौन सी है, उड़ा उड़ा यहाँ पे कौन जी रे उड़ा यहाँ पे, चल उड़ाते हैं, देख दे उड़ गया। ई बैला थोड़ा देर से उड़ाया, हल्का देर से। अब जरा कल्पना करो बाबू, जहजिया में तो एयरपोर्ट का तो बाउंड्री भी होता है, और यही ना रनवे है। अरे भैया यहीं से उड़ जाओ, ई चोट्टा हिया से उड़ रहा है, उड़ाया ना तो इसका पेंदिया जाके एयरपोर्ट के दीवाल से टकरा गया। दीवाल था जो बाउंड्री होता है ना, उससे टकरा गया, मारा धौम से, अब बाउंड्री टूट गया। अब बैला को बुझाइए नहीं रहा है, पूछ रहा है कुछ झटका मारा है, जर्किंग हुआ है, जर्किंग हचका मार रहा है, तो कह रहा हाँ हचका मार रहा। अरे बैल कहीं का, तोरा जहाज हचका नहीं मारा, बाउंड्री तूर के निकल दिया है तुम, और उसको पते नहीं चला, पिछुआ तूर दिया वहां पे धम से, उसको लगे हचका हचका मारते रहता, हम लोग सरकारी पायलट है यार, एयर इंडिया सरकारी जहाज, मतलब कौन सी सरकारी बस का हालत देखे हो, जो खटा उसको जॉर्जिया खटारा कर दिया, तो सोचो दीवार में लड़ा के उड़ा दिया और चल दिया, मुड़ाया भी नहीं, चल दिया, अक्षोभ मंडल पार कर रहा था, दमदना के उड़ रहा था। अरे बैला क्षोभ मंडल में बच सकता था, क्योंकि बाहर से प्रेशर था क्षोभ मंडल का, और अंदर के केबिन प्रेशर को बैलेंस करता। अगर वो समताप मंडल में चला गया, मारेगा सब लोग दुबई के जगह, धूरा उड़ा देगा, पूरा छिटा जाएंगे लोग। अब जो जो कंट्रोलर होता है उसका, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वो कह रहा है कि उन्हें का लाइटवा कम दिख रहा हूं, इस सब जगह जगमग जगमग लाइट जल रहा है, इधर यह का लाइटवा कम जल रहा है। तो एगो वहां पे ग्राउंड फोर्स होते हैं सब, जो देखते हैं उसको वायरलेस के जाके देखते लाइट कहां है, तो गया वहां पे, कहा कि साहब ए साहब देवलिया तूर दिया को हो, तो ATC का पगला गया यहाँ पे, कि तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर किया, कहा कि जितने जहाज है सब होल्डिंग पैटर्न पे जाओ। तो जहाज से ना 30-40 किलोमीटर के दूर पे गोलंबर बनी ले रहता है हवा में, उन्हें गोली आते रहता है सब, होल्डिंग पैटर्न सब भाग भाग भाग। सबसे पूछा किसी के जहाज में कोई टाइप का मतलब झटके की आवाज आई थी, तो एयर इंडिया वाला कह रहा है हाँ 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 हमरे हाँ, जर्किंग मारा था, हाँ झटका मारा था, हम ही थे, हम ही हचका, तो कह रहा है कि तूर दिया रे तुम बाउंड्री दीवार। अब सुनो एयर इंडिया कैसे डूबी थी, पायलट क्या बोलता है, अच्छा ठीक है दुबई उतर के चेक करा लेंगे, चोट्टा एगो दीवार तूर के उड़ा है, उसपे से वो बैल कहता है कि हम दुबई उतर के, अभी हमको जाने दीजिए, देखो अभी से जुड़ा क्षोभ मंडल पार कर रहा था, क्योंकि क्षोभ मंडल में जहाजों का स्पीड धीमे होता है, अभी पार कर रहा था, चोट्टा कहता अच्छा कोई बात नहीं, दीवार तूर गया, बनवा लीजिएगा आप, सरकारी पायलट है, क्या समझते हैं हम, जहाज टेम्पू ठेला सब चलाते हैं, उड़ा देंगे हम यहाँ पे, कह रहे दुबई चेक करा लेंगे, चट्टा कहीं का तुम जाएगा कहाँ, समताप मंडल तुम्हारे केबिन के अंदर भरा हुआ प्रेशर है, केबिन प्रेशर जहाज को सोचता है फाड़ के बाहर निकल जाए, अब बाहर का समताप मंडल इसे रोकता है, जहाज इतना मजबूत होता है कि झेल लेता है, लेकिन अगर इस ससुरा कहाँ चल जाता है समताप, तो बाहर का प्रेशर घट जाता, जहाज तो मजबूत होता है केबिन प्रेशर को झेलने के लिए, लेकिन मजबूत छोड़ा कहा था, ये तो पेदी लड़ा के फोड़ दिया था, छिटा जाता, कहा कि रे वापस आओ अभी, तो कह रहा है अच्छा ठीक है थोड़ा हम समताप मंडल में घुमा लेते हैं ना, कि अभी हम अरब सागर पे हैं क्योंकि मुंबई के जस्ट बाद में अरब सागर आ जाता है, यहां से उड़ा होगा दुबई के लिए, तो निकल दिया था आधा रास्ता तक, तो कह रहा अच्छा ठीक है यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि ना यहाँ सारी जहाजें जो होती हैं उतरने के लिए अपनी हाइट कम कर दी रहती हैं, तो बाकी जहाज कह रही कि बहुत सारा ट्रैफिक है, हम थोड़ा हाइट पे जाते हैं तब वापस लाते हैं, कह रहे बला हम सब ट्रैफिक हटा दे रहे हैं, सारी जहाजों में गुजरात डाइवर्ट हो, गोवा डाइवर्ट हो, कर्नाटक डाइवर्ट हो, सब 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 डाइवर्ट हो, उतर उतर उतर, सारा रनवे खाली किया, उतार उतार उतार, आया उतारा गया, कहा कि जान में जाना है, सोच रहा है इतना लोग को मुआ दिया रहता है उसमें।
ही तथा सब सरकारी पायलट। कार्रवाई तो ऐसा हुआ, एयर इंडिया को ही टाटा को बेच दिया गया, प्राइवेट हो गया एयर इंडिया प्राइवेट। सोच रहा कोनो चक्का खुले उड़ रहा है, कोनो दीवाल तूर के उड़ रहा है, क्या करेगा कोई ठीक रहता है यहां पे? अरे सीट फटना वो सब समझ में आता है, सीट फटल रहा है, हैंडल टूटल है, फैसिलिटीज और सेफ्टी दोनों में अंतर होता है। कौन सा जॉर्जिया में जीवन बिताना है? सीट वहां फटले रहेगा तो चलेगा, इसे जो जॉर्जिया फाड़ के उड़ रहा है सीट फटने से क्या दिक्कत है?